परमार्थ की अद्वितीय मिसाल। एक बार पूज्य मस्ताना जी महाराज एक दुकान पर राशन लेने के लिए खड़े थे। आप जी ने देखा कि कुछ गरीब व भूखे लोग थोड़ा सा आटा उधार लेने के लिए दुकानदार की मिन्नतें कर रहे थे। वे कह रहे थे कि हम भूखे मर जाएंगे, हमारे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है। दुकानदार ने और उधार देने से इनकार कर दिया, क्योंकि उन्होंने अभी तक पहले वाले उधार के पैसे नहीं दिए थे। ये सब देखकर आप जी को उन लोगों पर दया आ गई। उस समय आप जी के पास 1 रुपया था, जिससे घर के लिए राशन खरीद कर ले जाना था। आप जी ने उन पैसों से सामान खरीदा व उन लाचार भूखे लोगों को भोजन खिला दिया। अब आप जी सोचने लगे कि क्या किया जाए, घर में भी राशन की जरूरत है, खाली हाथ गए तो कहीं माता जी नाराज ना हो जाएं। फिर आप एक बाग में गए और वहां माली के पास दिन भर काम किया। इस प्रकार मेहनत से जो पैसे प्राप्त हुए, उसका राशन खरीद कर घर लौट आए। इसी प्रकार एक दिन आप जी के कुछ बाल सखा दुकान पर आ गए। आप जी ने दुकान में से सारी मिठाई उठाकर अपने उन साथियों में बांट दी। आप जी के पिताजी ये सब देख रहे थे। उस समय एक ब्राह्मण भी दुकान पर अपने उन साथियों में बैठा था। उस ब्राह्मण ने ये सब देखकर आप जी के पूज्य पिताजी से कहा, शाहजी, इस लड़के ने इतनी मिठाई बिना दाम के ही बांट दी, आपने इसे रोका क्यों नहीं? इस पर आप जी के पिताजी बोले, पंडित जी, ये सब कुछ तो इसी का ही है। ये सुनकर पंडित जी चुप हो गए। आप जी लगभग अभी तक 6 वर्ष के ही थे कि पूज्य पिताजी का साया सिर से उठ गया। ऐसी कठिन परिस्थिति में भी पूज्य माता जी ने आप जी का पालन पोषण बड़े लाड़ प्यार के साथ किया। आप जी सदा अपने आप में खोए रहते। भोजन करते समय अगर कोई साधु या भिखारी आ जाता तो अपना भोजन उसे खिला देते और स्वयं भूखे रहते। पूज्य माता जी भोजन के लिए मिन्नतें करती, परंतु आप जी ये कह देते कि जो उस फकीर अथवा भिखारी ने खाया है वो मेरे पेट में गया है, मैं तृप्त हो गया हूँ। बेप्रवाह जी लोगों से बेगर्ज प्रेम करते थे तथा अपने हाथों से राहगीरों को गर्म गर्म जलेबियां बनाकर खिलाते थे। आप जी दरवेशों को इकट्ठा करके पैसे देते तथा मालिक की चर्चा करते थे। पूज्य माता जी मिठाई बनाना जानती थी। एक दिन उन्होंने आप जी को मावे की मिठाई बनाकर दी तथा उसे बेचकर आने को कहा। उस समय आप जी छोटी उम्र के ही थे। आप जी पूज्य माता जी का आदेश मानकर प्रसन्नता पूर्वक चल पड़े। रास्ते में आप जी को एक फकीर मिला। उस फकीर ने आप जी से पूछा, इस थाली में क्या है? आप जी ने कहा, खोए की मिठाई है, क्या आप खाना चाहेंगे? इस पर फकीर ने कहा, ये मुझे दोगे तो आपको बादशाही मिलेगी। आप जी ने कहा, हमने बादशाही का क्या करना है, यदि आप खाना चाहते हो तो खुशी से खा सकते हो। वो फकीर बोला, मैं अल्लाह के हुक्म से बोलता हूँ। आप जी ने उस फकीर को खुशी खुशी आधी मिठाई खाने को दे दी। मिठाई खाने के बाद फकीर ने शेष मिठाई भी खाने की इच्छा व्यक्त की। आप जी ने शेष मिठाई भी उसे दे दी। सारी मिठाई खाने के बाद उस फकीर ने कहा, तुम दोनों जहानों के बादशाह बनोगे। ये कहकर वह फकीर उसी क्षण आंखों से ओझल हो गया। आप जी मन में सोचने लगे कि घर जाकर जब पूजनीय माता जी मिठाई की बिक्री के बारे में पूछेंगी तो क्या जवाब देंगे। उसी क्षण वहां एक आदमी आ गया, उसे एक मजदूर की तलाश थी। आप जी ने उसे मजदूरी पर जाने के लिए पूछा। वो झट से तैयार हो गया, वह आप जी को अपने खेत में ले गया। आप जी ने उसके खेतों में इतना कड़ा परिश्रम किया कि वो किसान आश्चर्यचकित हो गया कि एक बच्चे ने एक आदमी से बढ़कर काम किया है। शाम को किसान ने 10-15 सेर अनाज दिया तथा अपने नौकर को आप जी के घर अनाज छोड़ने के लिए भेज दिया। जब पूज्य माता जी को वास्तविकता का पता चला तो उन्होंने अनाज लेने से इनकार कर दिया। आप जी की सेवा भावना को देखकर पूज्य माता जी भाव विभोर हो गई। इस प्रकार आप जी साधु महात्माओं की सेवा सच्चे दिल से करते रहे। जो कुछ भी आप जी के पास होता, सब दीन दुखियों व असहाय लोगों में वितरित कर देते। सचमुच ही
आप जी ईश्वरीय रूप थे जिन्होंने अपने आप को इस धरती पर जीवों के उद्धार के लिए प्रकट किया। स्वयं दुख झेलते हुए बेसहारा लोगों का सहारा बनकर पूरी दुनिया के लिए प्रेरणा स्रोत बने।